मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक पिटाई के वीडियो से हड़कंप है। इस वीडियो में गोरक्षा वाहिनी और दूसरे संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता एक व्यक्ति की डंडे से पिटाई करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। पिट रहे युवक पर प्रतिबंध मीट सप्लाई करने का आरोप लगाते हुए ये हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता युवक की पिटाई कर रहे हैं। उक्त युवक को थाना कटघर पुलिस द्वारा जेल भेजने की बात भी सामने आई है। दरअसल आज सुबह से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी के साथ वायरल हुई तो हड़कंप की स्थिति बन गई, क्योंकि पिट रहा व्यक्ति दर्द से चिल्ला रहा है और लोग उसे घेरकर डंडों से पीटते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। मॉब लिंचिंग के इन वीडियो की पड़ताल की गई तो पूरा घटनाक्रम साफ हो गया। दरअसल पिटने वाला व्यक्ति थाना मुंडा पांडे इलाके के नरखेड़ा का रहने वाला शाकिर निकला। इस पर आरोप था कि ये प्रतिबंध मीट सप्लाई का काम करते हुए पकड़ा गया और गोरक्षा वाहिनी और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इसे 50 किलो मीट के साथ रंगे हाथ पकड़ा। इसके डंडे से पिटाई करने वालों में भारतीय गोरक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज ठाकुर के रूप में हुई है और ये भी कई संगठनों से जुड़े हैं। जब इनसे इस बाबत बात की गई तो इन्होंने खुलकर कहा कि मीट के साथ पकड़े गए व्यक्ति ने उन पर मोटरसाइकिल से हमला किया, जिसके बाद उसे पकड़कर उसकी पिटाई की गई और उसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। मनोज ठाकुर का कहना है कि वो रोज प्रतिबंध मीट पकड़वाने के काम में लगे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी भी संगठन द्वारा कानून अपने हाथ में लेकर किसी की निर्दयता से पिटाई करने का अधिकार किसने दिया। हालांकि थाना कटघर पुलिस ने शाकिर का चालान करके उसे जेल भेजने की बात सामने आई है। इस घटना पर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस के हसन ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि किसी को अधिकार नहीं है कि गोरक्षा के नाम पर लोगों के साथ मारपीट की जाए, और जहां तक उनकी जानकारी है कि वो व्यक्ति राशिद के साथ मीट ला रहा था। देश और प्रदेश में सरकारें हैं, कानून है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हम लोग गाय काटने वालों के साथ नहीं है, लेकिन किसी निर्दोष के साथ इस तरह की पिटाई नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने मुरादाबाद के पुलिस अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी है और इसके वीडियो भी उपलब्ध कराए हैं। सपा सांसद ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा सरकार आई है न जाने कितनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो गई हैं, और शुक्र है यहां पर ये लड़का बच गया, नहीं तो मुरादाबाद से भी मॉब लिंचिंग का नाम जुड़ जाता और मीडिया को भी एक बड़ी खबर मिल जाती। देखिए, मैं सफ़र में था, मेरे संज्ञान में आया कि एक युवक को पकड़कर कुछ कथाकथित गौ रक्षकों ने मारपीट करने की कोशिश करी, मारा पीटा है, और उसके वीडियो भी मेरे पास आए थे। मैंने तुरंत ही उसको देखने के बाद एसएसपी साहब से इस बात की शिकायत करी कि किसी को यह हक नहीं है कि किसी को सरेरा खड़े होकर मारना शुरू कर दे। एसपी सिटी साहब से भी कहा और उन्होंने कहा कि हम इसका संज्ञान लेके जो भी कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ बनती है वो हम करेंगे। पता ये चल रहा है कि वो मीट लेके आ रहा था और वो किसी फैक्ट्री से ला रहा था, उसके पास रसीद भी थी। उसको उसके मीट को ये बताया गया कि ये प्रतिबंधित पशु का मीट है। ये बहाना लेकर उसके साथ मारपीट की गई। जहाँ तक मेरे संज्ञान में अभी तक आया है कि मुझे भी ये पता चला है कि डॉक्टरों ने भी उसको भैंस के गोश्त का ही बताया कि भैंस का गोश्त है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाय की आड़ में ये नफ़रतों की सौदागरी कब तक। हमारी जब से ये उत्तर प्रदेश की सरकार आई है न जाने कितनी मॉब लिंचिंग हो चुकी हैं। ये तो ऊपर वाला करम हो गया कि ये लड़का बच गया, वरना आप लोगों के लिए और पूरे मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर बन जाती है, एक मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग हो गई। तो इन बातों से इन गौ रक्षकों को बचना चाहिए, और जो लोग गौ के गोश्त को बेच रहे हैं या काट रहे हैं हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। कानून ने उसको मना किया है, जो भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती हो वो प्रशासन करे, लेकिन अननेसेसरी एक टेंशन पैदा करना, अननेसेसरी एक स्टंट पैदा करना, अपने आप को सबसे बड़ा गौ रक्षक समझना, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह क्यों ना हो या उसके आगे के परिणाम क्या हो, बगैर सोचे समझे ये सब काम करना, ये देश में और इस हमारे प्रदेश में सरकारें हैं, प्रशासन है, कानून है, जुडिशरी है, एक सिस्टम है, एनार्की नहीं है कि जिसका जी चाहा उसने पकड़ के उसको पीट दिया। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है और मैंने उनसे कहा भी है कि कानून के दायरे में जो भी
इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए। ये मुझ पर 13 तारीख में हमला हुआ, आज तक तो कोई कार्रवाई नहीं। कल ये लोग कसाई मुझे टक्कर मार के भाग गए ठीकरी में, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस को बताता हूँ, पुलिस टाइम से नहीं सुनती। आज की घटना इसने सबसे पहले हमने रोकने की कोशिश की, इसने रोका, मोटरसाइकिल में हमारी टक्कर मारी, हम खंती पे गिरे जाकर। तो क्या मनोज ठाकुर उसको 2 डंडे मार दो अपराध है? ये मनोज ठाकुर जानलेवा हमला कर दो कोई अपराध नहीं। मैं लगातार गो किसी पकड़ा, पुलिस मुझे धमका रही है। मुंडा पांडे इस पर खुलेआम कहा कि मेरे क्षेत्र में आप आओगे तो आपके साथ कुछ भी होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुंडा पांडे में नरखेड़ा सट्टू नगला सिसखेड़ा में डेली गाड़ी उतर रही है, खुलेआम गोकसी हो रही है। प्रशासन मुझे फोर्स दे, मैं डेली पकड़ के दिखाऊंगा। और दूसरा मुझे ये बता दी, मैंने 13 तारीख को FIR कराई है, गंभीर धाराओं में FIR है। पुलिस कोई कार्रवाई आज तक दबिश नहीं दी। क्या प्रशासन मेरी हत्या कराना चाहता है या मेरे परिवार को मरवाना चाहता है? गौ तस्कर का इसका सपोर्ट क्यों? मैं लगातार रोड डेली प्रति दिन गोकसी पकड़ता हूँ और पुलिस FIR। अभी मैं परसों की घटना 20 तारीख की घटना है, मैंने गोट में गोवंश का मीट पकड़ा है, पुलिस को बरामद करके दिया 2 किलो मीट, आज तक FIR नहीं है। ये कौन सा इंसाफ है? मैं तो महाराज जी से प्रेरित होकर गौ सेवा का मैंने संकल्प उठाया है। और जो लोग आरोप लगाते हैं मुझसे मनोज ठाकुर पैसे मांग रहा है या मनोज ठाकुर इतने पैसे मांग रहा है, आप एक बार मेरा घर जाकर देख लीजिएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि मैं कितने पैसे किससे ले रहा हूँ। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ। आज एक घटना हुई है जिसमें आप एक जने को मारते हुए दिख रहे हैं जी, उसके पास क्या था? उसके पास 50 से 60 किलो बैल का मीट था, 2 कट्टे थे, हमने रोकने की कोशिश की तो उसने हमारी मोटरसाइकिल टक्कर मारी, हम खंती में जाकर गिरे। तो अब जब वो आदमी हमें मारा तो हाथ पीछे किसी करेंगे नहीं भाई, गुस्से में तो आदमी मारे गई। मुझे बता दे प्रशासन कि गौ तस्कर मुझ पर 3 बार हमला कर चुके हैं, उनका प्रशासन गौ तस्कर मुझे आज भी मेरे कार्यकर्ताओं को गौर से ही धमकी मिली है, बोले मनोज ठाकुर साहब अगर क्षेत्र में गौकसी पकड़ी तो मनोज ठाकुर भी मारा जाएगा और हाईकोर्ट से 2.5 लाख रुपये जमानत हो जाएगी, तुम भी मारे जाओगे। ये कौन सा देगा? पुलिस को सुरक्षा देने के बजाय धमका रही है हमें। कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं? मैं भारतीय गोरक्षावाहिनी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, नव भारत हिंदू सेना का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, मानवाधिकार एसोसिएशन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरे जैसे आदमी 6-6 पद होने के बाद ना तो कोई सुरक्षा है, और मुरादाबाद का जिला प्रशासन मरवाना चाहता है मुझे। अगर मेरे परिवार या मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो मुरादाबाद का जिला प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। मीडिया बंधु, मैं आपसे चाहता हूँ इंसाफ की बात करना चाहता हूँ, गौ तस्करी रुकनी चाहिए। सरकार मेरे मुस्लिम भाई को अच्छा मीट खिला रही है फैक्ट्री से, पहले लोग मरा हुआ खाते थे, फिर गौ हत्या क्यों? अच्छा, जो व्यक्ति आप पीट रहे हैं जी, तो आपको पुलिस के द्वारा भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा देते हैं? 1 घंटे बाद पुलिस आई है, इतनी तो हमें मार देता कोई। पहले आपका हमला किया था उसने, पहले हमारे ऊपर हमला किया, तो हमला किया तो बचा में तो आदमी कुछ करेगा जरूर, ऐसा तो नहीं कोई भी है। मुझे जो अधिकारी है, जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, वो ये बताएं कि उन पर कोई हमला करेगा तो वो क्या हाथ नहीं उठाएंगे? मुझ पर अभी 13 तारीख में हमला हुआ फरीदपुर में, थाना मैनाठी क्षेत्र में FIR दर्ज है, 147, 148, 149 और 504 डकैती और 307 में। पुलिस ने कितनी कार्रवाई की? क्या पुलिस मेरी आवाज़ दबाना चाहती है या पुलिस खुलेआम गौ हत्या करानी चाहती है महाराज जी की सरकार में? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ, महाराज जी आप संज्ञान लें, ये लोग आपके कार्यकर्ताओं को मरवा देंगे, जो गौरक्षा करेंगे उनको मरवा देगा प्रशासन, जो सही काम करेंगे उनको मरवा देंगे। जिसके पास आज मीट बरामद हुआ था, कितना मीट था, क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कार्रवाई को पता नहीं, मैंने सुना डीलिंग चल रही है कि कटरेको की डॉक्टर सुमन एक दलपतपुर में बैठती हैं। अभी हमने करीब 15 दिन पहले सलमान नाम के युवक से बैल का करीब 50 किलो मीट पकड़ा था, वो खुद हमसे ये कह रहा था हाँ बैल का है और ले देगा मामला, रफा दफा कर लीजिए। हमने पुलिस बुलाकर कार्रवाई करानी चाहिए, तो डॉक्टर सुमन ने डेयरी पर रफीक डेयरी बैठ के 1 लाख रुपये लिए और कटरे का मीट लिख दिया। सबसे पहले मैंने कमिश्नर को, मैं व्हाट्सएप पर दिखा दूंगा, मैंने कमिश्नर को साहब को लिखा है डॉक्टर सुमन के खिलाफ, मुंडा पांडे इंस्पेक्टर, मंझोला इंस्पेक्टर, मैंने ठेर इंस्पेक्टर, सिविल लाइन इंस्पेक्टर पूरी तरह से गोकसी में सम्मिलित हैं, और मुझे लगता है कुछ अधिकारी भी इसमें सम्मिलित है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि मैंने 10 तारीख में गौवंश की खाल सिर पकड़ा, पुलिस को पहले सूचना दी थी, 11 तारीख में पकड़ा मैंने ठेर क्षेत्र में, 12 में पकड़ा, और आज तक कोई FIR नहीं है। बीती रात्रि में एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति के साथ जो कि मांस विक्रेता थे उनके साथ मारपीट की जा रही है, तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया गया और जो शिकायत प्राप्त हुई उसके आधार पर गंभीर धाराओं में थाना कटघर में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इसमें लगभग 5 से 6 अक्यूज हैं, सभी के विरुद्ध लगातार टीम सक्रिय है, दबिश दे रही है, शीघ्र ही इन सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।